हेलो दोस्तों, फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि अगर मार्केट में ये सीनरी नंबर वन है ना, ये सबसे सिंपल और सबसे आसान सीनरी है। अगर मार्केट में हम लोग को दिखाई दे रहा है कि रेजिस्टेंस स्ट्रांग है और सपोर्ट भी स्ट्रांग है, तब क्या होगा? मार्केट जब भी अपना रेजिस्टेंस में आए, यहाँ से हम लोग को पुट बाई करना है, और जब भी मार्केट अपना सपोर्ट में आए, हम लोग को यहाँ से कॉल बाई करना है ना। मार्केट कहीं नहीं जाएगा, मार्केट जो है 18,850 का ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। जो भी वैल्यू निकलता है, ये वॉल्यूम में अगर क्लिक करते हैं, आपको एक वैल्यू दिखाई देगा, वो वैल्यू में आपको एक रेजिस्टेंस सपोर्ट का एक लाइन टर्न लेना है, और जब भी मार्केट वहाँ पर आए, वहाँ से आपको एक कॉल बाई करना है ना। सिंपल सा ये लॉजिक है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है मार्केट में। और जब भी मार्केट में आप लोग को दिखाई देगा कि रेजिस्टेंस में मार्केट आए, यार इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम में अगर आप क्लिक करते हैं, उसका वैल्यू में आपको इसी तरह एक रेजिस्टेंस का लाइन टान लेना है। टानने के बाद क्या करना है आपको, जब भी मार्केट का रेजिस्टेंस का वैल्यू में आए, वहां से आप लोग को एक पुट बाय करना है। मार्केट इससे ऊपर नहीं जा पाएगा, ना ही मार्केट इससे नीचे आ पाएगा, है ना। यही है एक सिंपल सा LTP कैलकुलेटर का सिंपल एक सीनरियो है, जो बहुत ही कम दिखाई देता है, ठीक है ना। तो इस तरह का सीनरी मिले, आप बिंदास आदम आग मूंद के आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। देखिए मार्केट क्या होता है ना, मार्केट जब भी 19,100 में आएगा रेजिस्टेंस, आप लोग वहां से बिंदास बाय कर सकते हैं। अगर आप लोग नया है तो आप लोग को थोड़ा डर लगेगा, तो आप लोग क्या करें, पेपर ट्रेडिंग करिए। 3 महीना 4 महीना पेपर ट्रेडिंग करने से आप लोग क्या होगा, विश्वास होगा। जब भी आपको इसके ऊपर विश्वास हो जाएगा, आपको हर एक थ्योरी आप लोग को मालूम चल जाएगा, तो क्या होगा, आप लोग एक बेहतरीन ट्रेडर बनिएगा। ट्रेडर बनने के लिए आपको LTP कैलकुलेटर में 1-1.5 साल कम से कम समय देना पड़ेगा। कंटिन्यूसली आपको इसी में फोकस करना पड़ेगा, ध्यान से आपको सीखना पड़ेगा, तभी जाके आप एक ट्रेडर बन पाइएगा, LTP कैलकुलेटर को भी समझ पाइएगा, है ना। सो दोस्तों, एक चीज़ आप लोग समझ जाते हैं कि मार्केट में अगर इस तरह सीनरी बने, तो आप लोग को सिंपल सी अब सपोर्ट में जब भी आए तो आप लोग कॉल बाय करना है, रेजिस्टेंस में जब आए मार्केट में पुट बाय करना है। बट यहाँ पर एक सिचुएशन, जैसे कि मार्केट या WTT हो जाए या तो मार्केट में WTB हो जाए, तब आपको लोग को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि मार्केट में क्या सीनरी होता। तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊँगा। हर एक सीनरी जो मार्केट में होता है, LTP कैलकुलेटर में होता है, आप लोग को वीडियो मिलते रहेगा दोस्तों। तो अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन लगे, तो आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग को LTP कैलकुलेटर अगर सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ जानना है, पूछना है, या आपको कहाँ दिक्कत हो रहा है LTP कैलकुलेटर को यूज करने में, LTP कैलकुलेटर में यूज करने में कहाँ डर लग रहा है आपको, कहें कि बहुत सारा ट्रेडर होता है कि वो बहुत डरता है, तो डर कहाँ लग रहा है, तो आप लोग को देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप लोग व्हाट्सअप में भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो प्लीज़ कॉल मत करिएगा, कहें कि मैं एक काम करता हूँ इसीलिए थोड़ा व्यस्त रहता हूँ, कॉल मत करिएगा, आप व्हाट्सअप में मैसेज करिएगा, हम श्योर आप लोग का रिप्लाई दूंगा, है ना। तो कुछ भी सवाल हो दोस्तों, कुछ भी आप लोग का दिक्कत आ रहा होगा, कुछ भी आप लोग का असुविधा होगा, कुछ भी आप लोग को डर लगता होगा LTP कैलकुलेटर में समझ नहीं आ रहा है, तो दोस्तों आप व्हाट्सअप में कॉल कर, व्हाट्सअप में आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोग का जरूर से ज़रूर हेल्प करूंगा, है ना। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये एक सिंपल सा सीनरियो है, ये फास्ट सीनरियो है, जो मार्केट में बहुत आसान है। ये सीनरियो बने तो बिंदास आप लोग रेजिस्टेंस से और सपोर्ट से ट्रेड कर सकते हैं, ये कहीं नहीं जाएगा मार्केट, है ना। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ भेंट होगा, देखा होगा। सो जय हिंद, वंदे मातरम।